प्रदेश में गाय तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, परंतु सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पिछले कुछ दिन पहले लाहौल में गोधन से भरे ट्रक को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। इसके अलावा कुछ दिन पहले भी कुल्लू के मड़ी इलाके से गायों को ले जाते हुए एक ट्रक पकड़ा था और आज मनाली के बाहंग में भी दो ट्रक पकड़े गए हैं। अभी तक इन मामलों में संलिप्त लोगों से पुलिस कुछ भी उगलवान नहीं पाई है। सरकार को इस पर कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में पूर्व वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का क्या कहना है। भाग्य तो इस बात का है कि गौ तस्करी के मामले बहुत तेज गति से बढ़े हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इस सारे मामले पर सोई पड़ी है। गत दिनों हमने गौ तस्करी के विरोध में देव समाज के साथ मिलकर के एक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन यह लगता है कि ये सरकार गहरी नींद में सोई है और ये सरकार हर तरह के माफिया को बचाने में लगी है। अरे गौ तस्करी करने वाला माफिया ऐसा लगता है कि बहुत बड़े लोगों की मिली भगत इसमें है और आज भी दो गाय और बैल से भरे ट्रक बाहंग में पकड़े गए हैं। और हैरानी इस बात की है कि ट्रक में ऊपर भूसा है और उसके नीचे गाय और बैल रखे गए हैं। और फिर आखिरकार इस सरकार का कंट्रोल क्या है? ये ट्रक पंजाब से आए हैं, पंजाब की गाय है और मनाली में आके पकड़ी जा रही हैं। तो क्या लगता है इतनी जगह पर कोई देखने वाला नहीं है? और इसके पश्चात कि दोनों के दोनों ट्रकों के नंबर जम्मू कश्मीर के हैं। और फिर अब एक और बड़ी समस्या क्या होने जा रही है कि जितने ट्रक पकड़े जा रहे हैं वहां से जो गाय आ रही है वो बाहर की है, अब उनको यहाँ के गौ सदनों में भेजने की बात सरकार करती है, जबकि यहाँ के गौ सदन भी लगभग इस डेढ़ दो साल की कांग्रेस की सरकार में उनकी हालत खस्ता है। और वहां पर जो गाय जा रही है तो कल को हमारी स्थानीय गाय के लिए जगह कहां पर रहेगी, ये भी एक विचार का विषय है। और मैं कहूंगा कि इस सरकार को जागना चाहिए और यदि नहीं जागी तो बहुत बड़ा जन आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में होगा। और मैं निश्चित रूप से सारे देव समाज से प्रार्थना करता हूं और सारे धार्मिक संस्थानों से प्रार्थना करता हूं, सब आगे बढ़ करके इस बुराई को मिटाने के लिए आगे आए, क्योंकि सरकार के स्तर पर हमको उम्मीद कोई नहीं है।